फेमिनिस्ट न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लैब। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सावनेर नागपुर हाईवे पर तीन वाहनों में टक्कर, चार लोग घायल। न्यू डांस मामले में 13 आरोपियों की जमानत नामंजूर। उमरेड में मिले 41 नए कोरोना पॉजिटिव। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। सावनेर नागपुर हाईवे पर मानेगांव के पास तीन वाहनों की टक्कर में चार लोग जख्मी हो गए। इसमें एक सावरी से ऑटो में चार महिलाएं सवार थी। ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन इसमें कोई जनहानि नहीं होने की जानकारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सावनेर नागपुर हाईवे पर नागपुर की ओर खाना बनाने वाली चार महिलाओं को लेकर ऑटो जा रहा था। इस दौरान विपरीत दिशा से आयशर गाड़ी आ रही थी। ठीक उसी समय ऑटो के पीछे से आ रही टाटा मैजिक गाड़ी ने ऑटो को पीछे से टक्कर मारने से ऑटो आयशर गाड़ी को घसीटते हुए पलट गया, जिसमें चार लोग घायल हो गए। इस घटना में कोंदेगांव निवासी कलावती राउत को गंभीर घायल अवस्था में सावनेर ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उन्हें नागपुर रवाना किया। घटना की जानकारी सावनेर पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा किया। अगली खबर, उमरेड पुलिस स्टेशन अंतर्गत ब्राह्मणी ग्राम का न्यू डांस मामला राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में लिप्त 13 अपराधियों की जमानत याचिका न्यायालय ने सोमवार को नामंजूर कर दी। पुलिस ने 18 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया। सभी को 23 जनवरी को उमरेड के कोर्ट में पेश कर एक दिन का PCR प्राप्त किया था। आरोपियों ने कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की। सरकार की ओर से अधिवक्ता MD आवरीवार ने आरोपियों की पुलिस हिरासत 26 जनवरी तक बढ़ाने की मांग की। कोर्ट ने युक्तिवाद मंजूर कर आरोपियों की पुलिस रिमांड बढ़ा दी। 27 जनवरी को ब्राह्मणी ग्राम के उप सरपंच को गिरफ्तार किया गया। उप सरपंच सहित 13 आरोपियों को न्यायालयीन हिरासत में भेजा गया। इनमें से 13 आरोपियों की नागपुर सेंट्रल जेल में रवानगी कर दी गई। आरोपियों ने जमानत याचिका उमरेड कोर्ट में लगाई। करीब 3 दिन चली कार्यवाही में सभी आरोपियों की बेल नामंजूर करने का सरकारी पक्ष की ओर से युक्तिवाद किया। बचाव पक्ष की ओर से चार अधिवक्ताओं ने जमानत मंजूर करने के लिए अपनी दलील रखी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों की जमानत नामंजूर की। अगली खबर, उमरेड तहसील कोरोना आपदा व्यवस्थापक समिति की ओर से मंगलवार को की गई कोरोना जांच में उमरेड में नए 41 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। इसमें उमरेड शहर के 18 तथा ग्रामीण में 23 मरीजों का समावेश है। इसमें एंटीजन टेस्ट में 4 तथा RT-PCR टेस्ट में 37 कोरोना संक्रमित मरीज आज पाए गए। 1 जनवरी से लेकर तो अभी तक कोरोना से मरने वालों की संख्या शून्य है। उमरेड में अभी तक कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 397 है। उमरेड शहर में 179 तथा उमरेड ग्रामीण में 218 कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीजों का समावेश है। उमरेड शहर में मंगलवार को 18 कोरोना संक्रमित पाए गए, तो वही एक्टिव मरीजों की संख्या 179 पाई गई। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।